अब हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं और तीनों की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेट, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेट। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ कैन बी कंबाइन दीज सो द कैपेसिटेंस ऑफ रिजल्टेंट विल बी 9 माइक्रोफेरेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन बी कंबाइन दीज सो द कैपेसिटेंस ऑफ द रिजल्टेंट इज 4.5 माइक्रोफेरेट। तो देखते हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे 3 को क्या करना है, 9 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर वैल्यू बढ़ानी है तो उनको कैसा ऐड करना चाहिए, पैरेलल में। तो अगर मैं तीनों को पैरेलल यूज़ कर दूं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या आ जाएगा, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेट। सो द आंसर विल बी ऑल कनेक्शन शुड बी इन पैरेलल। तो और जब तीनों को पैरेलल कर देंगे मतलब लाइक दिस, सो द आंसर विल बी 9 माइक्रोफेरेट। नाउ दिस वन इज 4.5, तो ये इससे तो बड़ी है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमारा मतलब इसमें क्या होगा, अगर छोटी होती तो क्या होता है, तीनों सीरीज में आते। बट ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले या तो हम दो को सीरीज में और तीसरे को पैरेलल में, या दो को पैरेलल और तीसरे में सीरीज में, ऐसे लग लेके देखेंगे और जिसमें हमारा आंसर आएगा। तो इधर हमने क्या करके देखा हुआ है, हमने पहले दोनों को सीरीज में ले लिया, दो कैपेसिटर को सीरीज में ले लिया, तो दो का जो कैपेसिटर आया वो सीरीज मान लिया, तो 1/C1 + 1/C2। तो दो को कैपेसिटर क्या सीरीज में लेने में क्या है, 1/3 + 1/3 = 2/3, दैट इज 3/2 माइक्रोफेरेट। तो ये दो कैपेसिटर को जिनको मैंने सीरीज में लिया है, इनका आंसर आया 3/2 माइक्रोफेरेट। अब इनके रिजल्टेंट को तीसरे के साथ पैरेलल में ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा CP = C′ + C3, दैट इज 3/2 + 3 = 4.5 माइक्रोफेरेट। यही हमें चाहिए था। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन और मैं बता दूँ, एक पॉइंट बता दूँ कि जब हम सीरीज में कोई n कैपेसिटर लगाते हैं और उनकी वैल्यू सेम होती है, माना कि कुछ कैपेसिटर हैं n और जिनकी वैल्यू कितनी है, हर एक की वैल्यू है x, तो इस केस में जो रिजल्टेंट कैपेसिटर आता है तो CN = द गिवन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 8 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया तो आंसर कितना आएगा, माइक्रोफेरेड कितने थे 8, कितने कैपेसिटर थे 4, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/4 = 2। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस ऐसा क्वेश्चन।